बहुत सारे यूट्यूबर्स के मन में ये सवाल है कि अगर हम नया चैनल ओपन करते हैं तो एक साल में अगर हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होता है फिर क्या होगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, या तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा या फिर हम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कैसे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त रिक्की मनीष, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कैसे करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए हम अपने मोबाइल को उठाते हैं और स्क्रीन शेयर करते हैं, आपको फटाफट से बताते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल के साथ आपको एकदम इजी माध्यम से आपको हम समझाएंगे, आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। चलिए मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप लोग नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। अगर हम पहला दिन 2 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं, दूसरा दिन भी 2 सब्सक्राइबर बनाते हैं, तीसरा दिन भी 2 सब्सक्राइबर बनाते हैं, चौथा दिन हम 0 सब्सक्राइबर किए हैं, पांचवा दिन भी हम 0 सब्सक्राइबर किए हैं। यहाँ पे टारगेट है, एग्जाम्पल देकर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे टारगेट है कि 5 दिन में 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहला दिन हम 2 सब्सक्राइबर किए, दूसरा दिन 2 सब्सक्राइबर किए, तीसरा दिन भी हम 2 ही किए हैं, चौथा दिन 0 किए, पाँचवा दिन हम 0 किए। तो हमको बनाना था 5 दिन में 10 सब्सक्राइबर, लेकिन यहाँ हमको मिला क्या, 5 दिन में मात्र 6 सब्सक्राइबर, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम एग्जांपल देकर के आपको समझा रहे हैं, इसी में हम आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद छठा दिन अगर हम बनाते हैं कि हाँ छठा दिन हम सब्सक्राइबर करते हैं कितना होता है, वो तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। फिर हम आगे बढ़ेंगे, छठा दिन फिर हम बनाएंगे, आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं, छठा दिन हम किए 3, फिर सातवां दिन भी हम किए 3 बनाए सब्सक्राइबर, आठवां दिन हमसे 0 हो गया, फिर नौवां दिन हम बना दिए 4 सब्सक्राइबर, दसवां दिन हमारा हो गया 0 सब्सक्राइबर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एग्जांपल देकर हम बताए थे कि 5 दिन में 10 सब्सक्राइबर आपको बनाने हैं। ठीक है, लास्ट 5 डेज, यहाँ हमारा पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 दिन में हमारा बना था 6 सब्सक्राइबर जो कम्प्लीट नहीं हुआ, और छठा दिन आते आते 6, 7, 8, 9, 10 इधर नेक्स्ट 5 डेज में हमारा 10 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गया। ठीक है, तो यूट्यूब कहता है कि लास्ट 365 डेज में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, लास्ट के 365 दिन। ठीक है, यूट्यूब ये नहीं कहता है कि साल के, यूट्यूब ये कहता है कि लास्ट 365 डेज में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 5 दिन में 10 हमारा कंप्लीट हो गया, तो जो पहले बना 5 दिन के पहले जो यहाँ बनाए हैं 6 सब्सक्राइबर, उसका क्या होगा, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो काउंट नहीं होता है, स्क्रीन पर आप देख रहे हो वो काउंट नहीं होगा, वो काट दिया जाएगा, वो काउंट नहीं होता। काउंट कहाँ होगा आपका, जब आपका लास्ट 365 डेज में जो सब्सक्राइबर बनेगा वो काउंट होगा, पहले का काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सब्सक्राइबर काट दिया गया है, और लास्ट 5 दिन में जो सब्सक्राइबर बना है वही सब्सक्राइबर यहाँ काउंट हुआ है। ये है एग्जाम्पल सही मेथड सब्सक्राइबर एक साल में कंप्लीट करने का। बहुत सारे यूट्यूबर आपको समझाते हैं कि एक साल में सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट करना है 1000, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि 365 डेज, लास्ट के 365 डेज में 1000 सब्सक्राइबर हम कंप्लीट करेंगे, जो आप एक साल नहीं, 2 साल, 1.5 साल में भी आप जा करके आगे बढ़ करके कंप्लीट कर सकते हैं, जो लास्ट होगा वो काउंट होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। ऐसे ही YouTube टिप्स के लिए हमारे चैनल पे आप लोग बने रहें। नमस्कार दोस्तों।